उत्तराखंड सरकार अब राज्य लोक सेवा आयोग के मध्य से प्रदेश में भर्तियां करने जा रही है। नई भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 12,000 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7,000 पदों में भर्तियां UKSSC के माध्यम से होनी थी, लेकिन जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई उससे अब इन भर्तियों में थोड़ा व्यवधान हुआ है। ना रुके हैं, जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से अधीन सेवा चयन आयोग की भर्ती अब लोक सेवा में जो समूह की होगी, किस तरीके से देखते हैं आपको? देखिए, लगभग हमारे यहाँ पर अभी 12,000 के करीब पद खाली हैं विभिन्न विभागों में, और 7,000 पद इस समय बिल्कुल उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, लेकिन इन स्थितियों के कारण से वहाँ पर विलंब हो सकता है, उन भर्तियों में कोई देरी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्रिमंडल में ला रहे हैं, जो भी अर्हताएँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती हैं उन्हीं अर्हताओं को रखते हुए, बरकरार रखते हुए समूहों की जो भर्तियाँ हैं वो हम लोक सेवा आयोग या जो भी सक्षम संस्था है उस संस्था से करवाएंगे। उसके पीछे हेतु हमारा ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं भविष्य में जिनको भाग लेना है, उनकी परीक्षाओं में कोई विलंब न हो, और जो रोजगार पाने की तलाश में अपनी आशा लगाए हुए हैं उनकी आशा निराशा में न बदले। इसलिए हमने पूरा एक प्रावधान किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी हम ये भर्तियाँ करवाएंगे। सर, भारत छोड़ो कांग्रेस, युवाओं को क्या संदेश देंगे, मैसेज सर? नहीं, सभी युवाओं को देखिए सीधा सा संदेश है कि अभी हम सब भर्तियां करवा रहे हैं। सर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है आज से कन्याकुमारी से श्रीनगर तक।